أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि जिसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, यह फ़ख्र रश्क अम्बिया निकला। मजीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया और यह अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाल्लाह आज तौहीद से इसके फिफ्थ लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह आज हम आलम बरज़ख़ को, उसकी मखलूक और उसके टिकाव को समझने की कोशिश करेंगे। आलम बरज़ख़, आलम बरज़ख़ के माने क्या है? पर्दे के। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि पर्दा। आलम शहादत से आलम बरज़ख़ में जाने के लिए मौत क्या है? पर्दा है। मौत का पर्दा हटा, बरज़ख़ में पहुंच जाते। तो आलम बरज़ख़ को ख्वाब का आलम भी कहते हैं और उसको मिसाली आलम भी कहते हैं। अब उसकी मतलब अब उसकी मिसाल जो हदीस है, जो दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वअहया, वो कब करते हैं? अपन सोते वक्त करते हैं। अब इसका मफहूम क्या है? ऐ अल्लाह तेरे नाम से मरता हूँ, ये दुआ करके सोते अपन। फिर सुबह उठते, फिर क्या है? अल्लाहुम्मा अहयाना बादमा अमातना वइलैहि नुशूर। अब इसका मफहूम क्या है? तमाम तारीखें अल्लाह ताला के लिए है जिसने मुझे मतलब मरने के बाद जिंदा किया है। तो आलम बरज़ख़ को क्या कहते हैं? ख्वाब का आलम भी बोलते हैं। अब हम दुआ क्या करें? तेरे नाम से मरता हूँ, मतलब तेरे नाम से मरती हूँ। तो हम आलम बरज़ख़ में चले गए सोते ही। जो सोए अपन वो आलम बरज़ख़ है। अल्लाह ताला रोज दिखा रहे बरज़ख़ को के मतलब तुझे यहाँ जाना है, बोल के क्या है, डेली डेली अल्लाह ताला अपने को बता रहे, मगर अपने को समझ में नहीं आ रहा। जैसा माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ तो फरिश्ते कहते हैं मतलब तुझे बाहर जाना है, मतलब दुनिया में जाना है, इससे बड़ी दुनिया है और तुम्हें चाहने वाले बहुत है और माँ है, लाइक वालिदैन है, नाना नाना, फरिश्ते बशारत दे रहे, मगर वो क्या बोल रहा है कि नहीं जाता हूँ, बोल के पलटते जा रहा। मगर टाइम आए जब उसको इस दुनिया में आना ही पड़ता। अब ख्वाब का आलम क्या है? इसका एक मिसाल है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, एक अच्छी हिकायत लिखते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक वाकया है, एक शख्स को क्या है, बेटी हुई, बहुत दीनदार और नेकोकार बंदा था वो। अब उसको बेटी बहुत सालों के बाद हुई, तो बहुत मोहब्बत थी वो लड़की से, वो बेटी से, उसकी बेटी से। तो उसे क्या है, छोटी थी, फिर छोटी से बड़ी होते गई, 4 साल 5 साल की ऐसा होते गई, मगर बहुत मोहब्बत थी उसको और अल्लाह की इबादत करता था, शुक्र अदा भी करता था। मगर वो क्या हो गया, छोटे रहने में ही वो लड़की का, वो बेटी, उसके बेटी का क्या हो गया, इंतकाल हो गया। जैसा बेटी का इंतकाल हुआ उसको बहुत तकलीफ हुई। वो तकलीफ में रहकर क्या करा, मतलब आवारा दोस्तों में मिलते जुलते और शराब पीना शुरू कर दिया। अब शराब पीना शुरू करा तो इबादत भी छूट गई, नमाजें भी छूट गई। अब वो कंटिन्यूसली पीते रहता था बेटी की याद में। एक दिन सो गया तो उसको ख्वाब आया। ख्वाब में क्या दिख रहा उसको के एक बहुत बड़ा अड्डा, मतलब उसका पीछा कर रहा, पीछा करते जा रहा था और ये भाग रहा, ऐसा दिख रहा कि मतलब जैसा उन्हें पीछे पीछे भाग रहा तो अजदा उसको मतलब हार्म कर देगा, मतलब कुछ ऐसा हलाक कर देगा। वो भाग रहा तो सामने एक बुजुर्ग शख्स नजर आए, मतलब उन्हों कैसे थे बोले तो ज़ईफ़ है और उन्हों क्या है, एकदम नूरानी लिबास में है, हाथ में डंडा है, झुके हुए है वो चेहरे, मतलब उन्होंने चाह रहे, मतलब उन्होंने सोच रहे कि उसकी मदद करे।
अजय को मारे, मगर अजय इतना बड़ा है कि बुजुर्ग शख्स के काबू नहीं आ रहा। भागते भागते पहाड़ पे चढ़ गया। फिर क्या, थोड़ी देर के बाद नीचे उतरा। जबे क्या है, उसकी बेटी और कुछ बच्चे उस ग्राउंड में खेल रहे थे, और उसकी बेटी बाबा बोलकर देखी, और वो अजय को पीछे ढक ली। कौन उसकी बेटी? जो नेकोकार बंदा था, मतलब उसके बाद फिर शराब पीते पीते सब गुनाहों में था, उसकी बेटी क्या है, वो अजय को पीछे ढक ली। फिर बेटी क्या है, मतलब बाबा बोलकर देखी और वो अजय को पीछे ढकल दी, तो वो अजदा भाग गया। उसके बाद अब वो बेटी बेटी से मिलकर भी बहुत खुश हुआ। ये पूरा क्या है, ख्वाब है ये पूरा। अब जो हिकायत बता रही है, पूरा ख्वाब है। वो शख्स क्या है, बेटी से पूछा के ये क्या माजरा था, तुमने ऐसा मतलब कैसा कर दिया ये सब पूरा? तो बेटी जवाब देती है कि बाबा, ये जो अजदा आपको मतलब कौन है पता है क्या आपको, बोल के उन्होंने पूछते। तो फिर उसके बाद मतलब बेटी पूछती, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती कि ये आपके क्या है, बुरे आमाल है, और वो आपको जो बुजुर्ग शख्स मिले वो आपके नेक आमाल है, बहुत कमजोर हो गए, तो ये जो आपके बुरे आमाल है ये परेशानी थी ख्वाब में। तो क्या है, छोटे बच्चे जो है ना, अपने माँ बाप की बख्शीश करते कब खबर में। तो जब वो ख्वाब से उठा तो मतलब जब वो ख्वाब से उठता ना, उसको समझने आई, मतलब बात समझने आई, मतलब ऐसा ये ऐसा ऐसा है बोल के, तो वो अपने जिंदगी को क्या कर दिया, तब्दील कर दिया पूरा। अब थोड़ा कुरान के तर्जुमे से समझेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 153-157, ये तर्जुमा है कुरान का। ऐ ईमान वालों, सबर और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है मगर तुम इस बात को नहीं जानते। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, मदद किससे लेना है? सबर और नमाज से। किससे? सबर और नमाज से। अल्लाह ताला क्या क्या कह रहे हैं, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहे। अल्लाह ताला फरमा रहे, क्यों? वो जिंदा है, उनको क्या है, रिस्क मिल रहा। और यहाँ से भी कुरान का तर्जुमा है, और यकीनन हम किसी कदर खौफ और भूख से और माल और जानों के फलों के नुकसानों से आजमाएंगे। अल्लाह ताला क्या मतलब बोल रहे, आजमाएंगे। किस तरह आजमाएंगे? खौफ और भूख से। किसी चीज का खौफ हो जाएगा, मतलब आने वाले चीज का, और भूख से रिस्क में तंगी हो जाएगी, भूख और माल और जानों और फलों के नुकसान से खुद अपनी जान में नुकसान हो जाता, भी मतलब बीमारी आ जाती। ये भी कंटिन्यूशन है कुरान का तर्जुमा। और ऐ पैगंबर, उन सबर करने वालों को खुशखबरी सुना दो, जब उन पर कोई मुसीबत पड़ती मतलब आ पड़ती है तो कहते हैं, बेशक हम तो अल्लाह ही के हैं और उसी के तरफ लौट कर जाना है। जब मुसीबत आती है तो क्या बोलते हैं, ये मिल्क मतलब ये मिल्क अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह मतलब अल्लाह का दिया हुआ है और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। जब अल्लाह की चीज है, अल्लाह ताला ने मतलब अल्लाह ताला ले लिया, तो क्या करना, एक मतलब उस पर अफसोस हुए ना करना। एक अल्लाह मतलब एक बुजुर्ग शख्स जो मतलब उनका बेटा फौत हो गया। अब आते रहते ना भाई, मतलब मतलब लोग जनाजे के बाद मतलब एक के बाद एक मिलने के लिए आते रहते ना। अब उनके जो अब्बा थे, वो जो लड़का था, अब उनके अब्बा जो थे ना, दीन की बात करते हुए बैठे, तो वो मतलब क्या हो रहे थे, दीन के बात ना खत्म हो रहे नहीं थे। तो उसमें से एक मतलब जवान बच्चा उठा और क्या बोलता है, उठ के क्या हजरत, बेटा तो आपका फौत हो गया और आप बात करते हुए बैठे, फिर ऐसा क्वेश्चन करता। तो फिर उसके बाद अब क्या है, खबर की तरफ गए पूरे जने तदफीन के लिए। तो खबर में उतरना था, तो बाप उतरते बोले तो कौन रोकते, हर कोई ठीक है बोल के बोलते ना। तो अब उनके हाथ पे मतलब जो उनके हाथ में लाठी थी, किसके, उनके वो जो बच्चे का
जो बच्चे का इंतकाल हुआ उनके बाप के हाथ में लाठी थी। फिर वो बच्चे को बुलाया, जो बच्चा बीच में उठ के बोला था ना ऐसा, आपके बेटे का इंतकाल हुआ, आप इतना सुकून से है बोल के, तो वो लड़के को बुलाया, बेटा ये पकड़ो बोलकर। वो बच्चा पकड़ लिया, फिर उसके बाप बोले कि मेरी लाठी दियो। फिर क्या है, फिर ले लिया, फिर ले लिए, मतलब ले लिए बाद पूछे कि बेटा आपको तकलीफ हुई, मतलब मैंने लाठी दे दिया फिर ले लिया। तो वो बच्चा बोलता कि मेरे को क्यों तकलीफ होंगी, मतलब मेरे को कहीं तकलीफ होती, आपकी लाठी थी मैंने दे दिया आपको। तो अब उन्होंने भी समझाते कि बेटा ये भी अमानत थी मेरे, मतलब मेरे पास अमानत थी, अल्लाह ने दिया, तो क्या है ये, उन्होंने क्या बोले कि मेरे पास भी क्या है अमानत थी, अल्लाह ने दिया फिर क्या है ले लिया, मेरे को क्यों तकलीफ होंगी। उनके वो जो बुजुर्ग शख्स थे उन्होंने वो बच्चे को समझा रहे, तो ये क्या है अल्लाह की अमानत है। हाँ, इसी के साथ ही मैं अपने बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया और सुना गया अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुनने वाले के लिए अमल करने, कहने वाले के लिए अमल, हर दो के अखलास इन अल्लाह को मलाइकी या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।